सोलन की सब्जी मंडी में अब टमाटर के साथ साथ सेब का सीजन भी आरंभ होने जा रहा है, जिसके चलते सोलन की सब्जी मंडी में आढ़तियों और किसानों की भारी भीड़ जुटना आरंभ हो जाएगी। भारी भीड़ होने से कोई घटना न घटे, इसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध एपीएमसी सोलन द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं आने वाले किसानों और आढ़तियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो सके, इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। ये जानकारी एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने दी। सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने बताया कि अभी सोलन की सब्जी मंडी में 10 पुलिस कर्मी तैनात हैं, जो लगातार सोलन की सब्जी मंडी पर नजर रखे हुए हैं और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनके अलावा 10 और पुलिस कर्मियों की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सेवानिवृत्त 4 कर्मियों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोलन बुलाया जा रहा है, जिनमें से 2 को परवाणु की सब्जी मंडी में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे से शाम को 8 बजे तक थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 24 घंटे सोलन की सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन हो सके, इसके भी उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लेबर की कोई कमी ना हो, इसके लिए लेबर के पास बनाए जा रहे हैं। 50 मजदूरों का कोविड टेस्ट करवाया जा चुका है, जो नेगेटिव आया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की तरफ से हमने 10 पुलिस कर्मी बुलाए हुए हैं, जिसमें से 2-3 पुलिस कर्मी तो अभी भी कार्यरत हैं, वो पहले से ही चले हुए हैं, लेकिन 10 एक्स्ट्रा में हमने और मांगे हैं। और उसके अतिरिक्त हमने बोर्ड की तरफ से 4 नए सुरक्षा कर्मी जो एक्स सर्विस मैन है वो बुलाए हुए हैं हमीरपुर से, उनमें से 4-5 दिन के अंदर वो चारों आ जाएंगे, जिसमें से 2 यहाँ रखेंगे, 2 परमाणु मंडी में। और उसके अतिरिक्त हमारा स्टाफ रहेगा और सैनिटाइजेशन के लिए 24/7 सैनिटाइजेशन मंडी की होगी। 4 बजे सैनिटाइजेशन होगी, आप देखते हैं ऊपर की मंडी की तो आज भी हो रही है, लेकिन इसके लिए अलग से हमने कोटेशन बेसिस पे इसको करने जा रहे हैं। और इंफ्रारेड जो स्कैनिंग है वो भी 24/7 करेंगे, 4 बजे स्कैनिंग से लेके शाम को 8 बजे तक होगी, तो इसमें कोई भी हमें किसी प्रकार की ऐसी नहीं है दिक्कत। उसके अतिरिक्त जो लेबर बाहर से आ रही है उसके परमिट इशू करने की जो अथॉरिटी है आदरणीय डीसी साहब ने हमें दी है, तो सोलन के लिए मुझे दी है और परमाणु के लिए डिप्टी एसटी जो अपने डीएसपी साहब हैं उनको, परमाणु वालों को दी है। तो दोनों मंडियों में वो भी लेबर फटाफट आ रही है, लगभग हमारे पास 100 से ज्यादा लेबर आ चुकी है, जिसमें से आधे लोगों के कोविड टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, तो पूरा विधिवत चला हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये टफ जॉब है, क्योंकि मंडी का जो स्पेस है, एरिया है, ऑपरेशनल एरिया कम है, लेकिन फिर भी काफी हद तक, ज्यादा नहीं तो हम जो मास्क है उसको हम मैंडेटरी कर रहे हैं।